हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 फीट बाय 50 फीट साइज के बिल्डिंग के बारे में। तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रीन पर आपको दो इमेजेस दिख रही होगी। लेफ्ट साइड में आपको ये 2D लेआउट का ड्राइंग दिख रहा है और राइट साइड में हमने फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन दिखाया है। आप इस तरह से फ्रंट एलिवेशन बना सकते हो या फिर आपकी चॉइस से कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें गेट बिठा लेना है। इस गेट से हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर एंट्री करेंगे। जस्ट गेट के अंदर हमें कार पार्किंग मिलेगी। तो दोस्तों, इस कार पार्किंग का साइज 14 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 10 इंच रखा गया है। आप यहाँ पर मिनी गार्डन भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। इस मेन डोर से हम बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम अंदर जाएंगे हम हॉल में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इस हॉल का साइज 10 फीट 2 इंच बाय 10 फीट रखा गया है। हॉल के वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में विंडो का डिज़ाइन किया है। इस विंडो का साइज 4 फीट 6 इंच रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं। जस्ट हॉल के सामने हमें डाइनिंग एरिया मिलेगा। तो दोस्तों, इस डाइनिंग एरिया का साइज 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 2 इंच रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइनिंग एरिया के राइट साइड में हमें स्टेयर्स का डिज़ाइन किया है। 3 फीट चौड़ाई वाली स्टेयर्स प्रोवाइड की गई है। इस स्टेयर्स की मदद से हम फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, स्टेयर्स के नीचे से हम इस वॉश एरिया में एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक बेसिन बिठाया है। इस एरिया का साइज 2 फीट 6 इंच रखा गया है और जस्ट वॉश बेसिन के बाद में हमने टॉयलेट बाथ का डिज़ाइन किया है। इस एरिया का साइज 4 फीट बाय 7 फीट 6 इंच रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो का डिज़ाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जस्ट डाइनिंग एरिया के बाद हमें किचन का डिज़ाइन मिलेगा। इस किचन का साइज 5 फीट 4 इंच बाय 12 फीट रखा गया है। हमने इस बिल्डिंग में मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, किचन के जस्ट राइट साइड में हमें बेडरूम का डिज़ाइन मिलेगा। तो दोस्तों, इस बेडरूम का साइज 8 फीट 10 इंच बाय 12 फीट रखा गया है। बेडरूम के लिए यहाँ पर हमने विंडो का डिज़ाइन किया है। दोस्तों, किचन से होकर हम वॉश एरिया में एंट्री करेंगे। इस वॉश एरिया का साइज 9 फीट बाय 4 फीट रखा गया है। इस एरिया के ऊपर कोई भी छत नहीं रहेगी, कोई भी स्लैब नहीं रहेगा। दोस्तों वॉश एरिया के राइट साइड में हमने स्टोर रूम का डिज़ाइन किया है। इस रूम का साइज 4 फीट 5 इंच बाय 4 फीट रखा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस OTS की मदद से बैक साइड के सभी रूम्स में वेंटिलेशन होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर का पूरा प्लान समझ लेते हैं। इन सीढ़ियों की मदद से हम फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे। जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आएंगे हम इस वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझ लेते हैं। इस डोर की मदद से हम फ्रंट वाले बेडरूम में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, इस बेडरूम का साइज 14 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 4 इंच रखा गया है। इस बेडरूम में अटैच टॉयलेट बाथ का डिज़ाइन किया है। इस टॉयलेट बाथ का साइज 7 फीट बाय 4 फीट 6 इंच रखा गया है। और इस डोर की मदद से हम बालकनी में एंट्री करेंगे। दोस्तों, इस बालकनी का साइज 7 फीट 2 इंच बाय 6 फीट 4 इंच रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स बैक साइड के बेडरूम का डिज़ाइन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस डोर से हम बैक साइड के बेडरूम में एंट्री करेंगे। इस बेडरूम का साइज 11 फीट 2 इंच बाय 11 फीट 8 इंच रखा गया है और इस बेडरूम के लिए भी अटैच टॉयलेट बाथ का डिज़ाइन किया है। इस टॉयलेट बाथ का साइज 4 फीट 7 इंच रखा गया है और साथ में ड्रेसिंग रूम का भी डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप वार्डरोब भी बना सकते हो। तो दोस्तों, इस डोर की मदद से हम ओपन टेरेस में एंट्री करेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस प्लान में कोई भी चेंजेस चाहिए तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको आपके हिसाब से कोई प्लान बनवाना है तो आपके प्लॉट का साइज नीचे कमेंट करें, हम आपके लिए फ्री में प्लान बनवा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कंप्लीट प्लान हो गया है। आपको यह प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन से प्लान के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।